फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से मैं जो आपका एडिशन वाला वीडियो में स्टार्ट किया हूँ, मतलब फास्ट कैलकुलेशन वाले में प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जिसमें कैलकुलेशन को फास्ट करना आपको सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप कहीं पर भी, मतलब आप किसी क्लास में भी हो, चाहे 9th में 10th में 11th 12th किसी भी क्लास में हो, तब भी आपके लिए ये बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए, एडिशन का पहला क्लास हमने दिया था जिसमें बेसिक चीजें बताई थी, फिर एडिशन का आज हम यहाँ पर तीसरा क्लास देने चल रहे हैं, मतलब पार्ट 3 है। तो दो क्लास अगर आप देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर रिवाइज एक बार कर देते हैं कि हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें होती हैं वही कॉन्सेप्ट है। दिमाग आपका जो खेलता है, मतलब दिमाग आपका जो फीड करता है, जो आपका जैसे कंप्यूटर जो होता है, कोई ना कोई एक स्टेप से वो फीड करता है, उसी तरह से आपका दिमाग भी क्या होता है, उसको फीड ही करता है कोई चीज अपने दिमाग में। जैसे आपको यहाँ पर दिमाग में बोला जाए कि मान लीजिए यहाँ पर मैं दू 6 + 2, ऐसे में दूं तो आप समझ सकते हैं 6 + 2, आप बोल देंगे 8। लेकिन अगर ये इसी को मैं इस तरीके से रिवर्स करके बोलता कि 2 + 6, तो दिमाग में थोड़ा सा क्या होता, ये प्रोसेसिंग लेता। इसमें आपको प्रोसेसिंग लेगा दिमाग, क्योंकि आप छोटे से बड़े में, आप दिमाग आपका दिमाग ये नहीं चाहता कि बड़ी से बड़ी चीज, संख्याओं को जोड़े, बड़ी से बड़ा लोड ले। दिमाग आप अपने दिमाग को इस तरीके से बना चुके हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्याओं का लोड लेना नहीं चाहता है। यानी अगर आप जोड़ेंगे 8 और 1 तो 9 जोड़ लेंगे, लेकिन 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आपका जल्द से होने में मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे यहाँ पर 3 5 तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर 5 3 करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर 9 3 तो 12 कर देंगे, आप बोलेंगे कि 9 3 तो बोलेंगे 12। लेकिन अगर बोला जाए 3 9 3 9 सोचेंगे, तो यही दिमाग में पहले आपको फीड करना है, छोटी संख्याओं में बड़ी संख्या ऐड करके, एक एक संख्या ऐड करके। पहले पहली क्लास में हमने उसको सिखाया है, आप हर एक संख्याओं को, छोटी संख्याएं जो होती हैं उनके साथ बड़ी संख्याएं आप ऐड करके पहले उसको दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याएं आप ऐड करना, उसको तो आपको दिमाग में आपके आ ही जाएगा। मैं अगर बोलूंगा कि 8 और 2 तो आप बोल देंगे 10, लेकिन अगर बोल 2 8 तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, तब 10 बोलेंगे। तो ये चीजें आपको फीड करना है, छोटे से बड़ी वाली संख्या को ऐड करके दिमाग में इस तरीके से फीड कर लेना है कि बोलते ही आपका आंसर आ जाएगा। दो कि अगर बोला जाए 2 6 तो आप बोल दें 8, यहाँ पर 6 2 बोला जाए तब भी 8, यहाँ पर बोला जाए 1 8 तो आप बोले 9, और यहाँ पर अगर हमारा बोला जाए 8 1 तो ये तो आपको पता ही 1 9 आएगा। सेम इसी प्रोसेस पे अगर हम वर्क करते हैं कि यहाँ पर 5 और 9 बोला जाए तो सीधा बोल दे 14, दिमाग में आपके होना चाहिए कि 5 और 9 कितना हो, 14। ये रीड एकदम रहना चाहिए, मतलब आपकी जो टंग होती है ना ऑटोमेटिक बोल जाए। जैसे आपके अगर मैं बोलूँ दिमाग में, अगर मैं कोई अभी मैं बोलूँ कोई भी गाना गाने चलूँ तो आपका दिमाग खुद गाने लगेगा, वो गाना आपका दिमाग खुद गाने। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ट्विंकल ट्विंकल तो आप बोलेंगे लिटिल स्टार, क्यों बोलेंगे बताइए, क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग उसको रीड कर गया है, उसको दिमाग में फीड कर गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये चीजें एक बार बोल, मतलब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे, ट्राई करने लगेंगे, तो आपके दिमाग में इस तरीके से फिर जाएंगे। जैसे 5 9 बोलेंगे, 5 9 को आप ना समझ जाएंगे कि आपका 14 होना है। ठीक है, अब इस 14 को 2 नजर से देखना है, इस 14 को आपको 2 नजर से देखना है। कैसे, यहाँ पर ये इसको हम 10 मान के चलेंगे, इसको 4 मान के चलेंगे, इस तरह दिमाग में बैठाना। मतलब जैसे ही हमें 10 मतलब 2 अंकों की संख्या मिले तो हमें एक संख्या उसके आगे को 0 लगा के निकाल लेना है। समझ लिए बात को, यहाँ पर हमारा 14 है, इसका मतलब हमारा इसमें 10 निकल गया है, 4 आ गई है। अगर 15 है तो 10 और 5 है, 16 है तो 10 और 6 है, 18 है तो 10 और 8 है। देखिए अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन समझेंगे तो भी मजा आएगा, बहुत तेज जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो ये चीजें जैसे ही अपने दिमाग में हमें दिखता है 18 ना, तो समझ लेंगे कि हमारा 10 तुरंत निकल गया है इसमें। 10 को हम निकाल के ही समझेंगे, हमेशा 18 को आप नजर, मतलब आप जो संख्या 2 अंकों की संख्या थे उसको आप वो संख्या 10 तक जो संख्या है यहाँ तक आप देखेंगे कहाँ तक। इसी तरीके से आप मान लीजिए 15 को देखिए, इसी तरीके 16 को देखिए, इसी तरीके से 17 को देखिए, इसी तरीके से 18 को देखिए, 19 को देखिए, ठीक इसी तरीके से 11 को देखिए, 12 को देखिए, 13 को देखिए, 14 को देखिए। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग में देखना है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई ना दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 18, इसी तरीके से आपका 14। ठीक, आप इस तरीके से सारी संख्याओं को आप दिमाग, बोला गया 11, 10 निकल गया 1 बचा, 12 10 निकल गया 2 बचा, 13 10 निकल गया 3 बचा, 14 10 निकल गया 4 बचा, 15 10 निकल गया 5 बचा। ये दिमाग में फिट होना चाहिए, किस लिए मैं अभी बताता हूँ। जब 2 अंकों को आप ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं बोलू इसको ऐड करना कहूँ तो आप इस तरीके से ऐड करेंगे, पहले इसको लिखेंगे तब आप ऐड करेंगे, यानी कि आप इस तरीके से करेंगे, ऐसे आप इसको करेंगे, ऐसे करेंगे,
दिमाग में लगाएंगे कि 5 और 2 7, 7 एक 8, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए दिमाग यहाँ पर क्या कर, 1 7 हमने नहीं जोड़ा, 7 1 जोड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम छोटी संख्याओं को बाद में जोड़े ताकि जुड़ जाए जाएंगे। 7 1 8 जोड़ने में बहुत ईजी है, लेकिन 1 7 जोड़ने में 8 में दिक्कत होती है। तो ये चीजें हैं, इसको देखिए आपने इस तरीके से जोड़ा, मतलब आप इकाई दहाई संख्या का इस्तेमाल करके जोड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा जितनी संख्या को प्लेस को छोड़ना है उस प्लेस पर जीरो लगाना, ये दिमाग बैठे कैसे समझ लीजिए। ये है आपका, पता है यहाँ पर 1 7, दिमाग लगाइए 1 7 80, कैसे मैंने बोला 1 7 80, 1 7 8 हुआ और 1 0 मैंने ऐड कर दिया, 1 7 मैंने 8 बोला, 1 7 8 होगा और मैंने इसको 80। अब ये दिमाग में रीड इतना फास्ट होना, इतना फास्ट होना चाहिए कि कंप्यूटर भी उतना फास्ट नहीं चले। 1 7 80 और यहाँ 87, मैंने ऐसे बोला, ऐसे पता है कि 1 7 8 होगा और 0 लगाएंगे तो 80 होगा और 5 और 2 7 होगा, मतलब 7 इसमें ऐड कर देंगे। अगर यही चीज बड़ी संख्याओं का होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा इस तरीके से होता तो थोड़ा सा आपका दिमाग क्या करता, हैंग करता। हैंग नहीं करना चाहिए, दिमाग में बैठाइए, पहले इसको हम समझ लेंगे। हमने बोला है कि ये संख्या है तो उसमें से 10 हम निकाल लेंगे और एक संख्या को अलग कर लेंगे, और इन संख्याओं को जोड़ना, ये संख्या कब जोड़ने पे आएंगी, इन्हीं सब संख्याओं को जोड़ेंगे जब, जब दो संख्याओं को जोड़ 10 के अंदर की दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20 के अंदर की आएंगी। 10 के अंदर की जो संख्याएं, दो ही 10 के अंदर की अगर आप दो संख्या को जोड़ेंगे तब 20 के अंदर की ही संख्या आएगी, 20 से ज्यादा आने वाली नहीं है। पता है कि आप 7 8 जोड़ेंगे तब भी 8 8 जोड़ेंगे, तब भी 9 9 जोड़ेंगे तब भी 18 ही आने आएगा। तो मतलब 10 के अंदर की अगर दो संख्याएं आप जोड़ेंगे तो हमेशा वो 20 के अंदर ही आएंगी। तो ये दिमाग में फिर है, और जब 20 के अंदर आएंगे तो 1 10 उसमें से निकलेगा, जो संख्या बचेगी वो संख्या हमारी किनारे आएगी, याद रखना। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये 7 और 6, मतलब 6 और 7, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कर दूं ताकि आपको अलग लगे देखने। अब देखिए सही लग रहा, ये देखिए यहाँ पर 6 और 9 को, अब 6 9 को आपको नहीं देखना है, 6 9 को हमें पता है इतना बार हम जोड़े रहेंगे कि 6 9 हम समझ जाएंगे तुरंत 15 होगा, 6 9 तुरंत 15 मतलब 150, और 7 6 7 6 को पता है 13 13 में 10 यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 10 यहाँ पर जोड़ देंगे, दिमाग लगाना है, ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि समझे। तो 10 यहाँ पर मैं जोड़ूंगा मतलब 160 होगा दिमाग में, और ये मैंने जोड़ा था 7 6 13 13 वाला 10 निकाला था, 3 बचा था, वो 3 फिर से मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 63। मैंने इसको प्रोसेसिंग में लिखा तब जाके यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा मैं बोर्ड को नीचे लगा दिया हूँ इसलिए थोड़ा झुक के लिखना पड़ा, थोड़ा बोर्ड को मैं ऊपर करूंगा, थोड़ा सा बोर्ड को भी मैं स्थायी किया नहीं हूँ थोड़ा इसलिए से। यहाँ पर देखिए आपको दिमाग में अब कैसे जोड़ना है, मुझे पता है कि ये सब कैलकुलेशन इतना जोड़ना मेरा बहुत तेज है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको देखेंगे 60 और 90 तुरंत ऐसे देखें, मतलब 6 और 9 6 9 को पता है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, 6 9 को जैसे देखेंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा 15 होगा, 9 15 मतलब 150, 6 देखिए 150 और 7 और 6 जैसे देंगे पता है कि 13 10 इसमें जोड़ेंगे 60 और 3 63, ऐसे जोड़ देंगे 163, ऐसे जोड़ देंगे 163। ठीक है, ये हम इसलिए करेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को आप जोड़ने लगेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आज हम समझाने वाले हैं 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो आपने अगर यहाँ तक रुके हैं तो और भी रुक जाइए, नहीं रुके हैं तो कोई बात ही नहीं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर अगर लिखूं, ऐसे मैं लिखूं, अब इतनी संख्या को जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से जोड़ कर जोड़ेंगे तो आपको नहीं, मैंने जो ये 2 संख्याओं में स्टेप सिखाया था वही स्टेप इसमें सीखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। मुझे पता है कि 6 9 15 4 19 190 हो जाएगा, मुझे पता है कि 190 हो जाएगा, मैं 190 लिख लेता हूँ दिमाग में, इसको लिखता हूँ, मतलब मैं जो लिखना ही जरूरी नहीं है, मैं इसको दिमाग में इस तरह लिखवा रहा हूँ कि आपको ये लिखना नहीं है, समझना है दिमाग में, मतलब ये मैं जोड़ लूंगा कि 6 9 15 और 15 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 19, मतलब 190 और 2 2 4 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा 99 199, आप जोड़ेंगे तो वही होगा। देखिए 5 2 7 2 9 और 4 9 13 और 6 19 हो गया ना, वही हुआ ना, तो होगा वही। मैं यहाँ पर कोई भी और संख्या लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे देखिए इतनी बड़ी संख्या आपने लिया, ठीक इतनी बड़ी संख्या आपने लिया तो आपको इसको कैसे करना है, ये दिमाग में लगाइए, इतनी बड़ी संख्या को कैसे करना है, कुछ नहीं,
आप वही प्रोसेस लगाएंगे, इन सबको जोड़ना है मतलब सभी को। देखिए इसको कितना होगी, यहाँ पर आप ये दो संख्याएं जोड़ने में आप फास्ट होना चाहिए, आप फास्ट होंगे। इसको 7 और 8 जोड़ेंगे, पहले 7 और 8 यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने बताया इसको आपको फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फास्ट कर लेंगे तो आपके लिए दिमाग, यहाँ पर 7 और 8 जोड़ेंगे अगर हमारा कितना हो जाएगा पता है कि यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 15 में जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, और 18 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो हमें पता है। अब देखिए 18 में 5 जोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर 18 5 वाला स्टेप समझाते हैं। देखिए 18 है और ये 5 है, ये दो संख्या वाला हमारा स्टेप हुआ, इसको हमें इस तरीके जोड़ना है। ये देखेंगे ये 1 है मतलब 10 है, 1 है मतलब ये 10 है, मैंने इसको पहले अलग किया था, ये 8 5। अब इसको मैंने फिर से अलग से नजर से देखा, इसी नजर से देखा, 8 5 का मुझे पता हुआ कि 8 5 13 होगा, और 13 में से फिर से 10 निकलेगा और 3 ये निकलेगा, इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये वाला दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि अब जब दो संख्या इस तरह की संख्या को प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आपको ये इजी लगेगा। अब 18 5 23 नहीं करना है कि आप 18 में 5 जोड़े तब 23 करें, उस तरह नहीं। आपको पता है कि 18 में 10 है और 8 5 13 में भी 10 है, और 10 10 20 10 30 23 सॉरी 20 10 20 3 23 हो जाएगा, तो उस तरीके से समझेंगे। सेम यही प्रोसेस लगाएंगे कि 7 और 8 हम जैसे ही जोड़ेंगे हमारा 15 होगा, और 15 में 3 जैसे जोड़ेंगे 18 होगा, और 18 में 5 जैसे ही जोड़ेंगे तो दिमाग में इस वाले प्रोसेस से कि हमारा जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा 23 होगा, और 23 में 4 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पर 270 लिख देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। क्यों 1 0 बढ़ा रहे हैं, 2 0 क्यों बढ़ाएंगे, 3 0, जितनी संख्या बच रही है उतना 0 बढ़ाना, याद रखना हमारी एक संख्या भी बचेगी इसलिए 0 बढ़ा देंगे। अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस यही होगा कि सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4 2 6 2 8 3 11, बस अभी 11 है, 11 को पता है कि 10 उसमें ऐड हो जाएगा, 30 में हमारा 10 इसमें ऐड कर देंगे, तुरंत हम चाहे इसी जगह भेजेंगे, 11 इसमें जोड़ेंगे पता है 10 इसमें जोड़ेंगे तो 80, और 1 जोड़ेंगे तो 81। और ये दिमाग में हो जाता, मैं तो लिख रहा था ना, ये दिमाग में ही हो जाता, आपके दिमाग में हो जाता अगर करेंगे तो। अब इसको जोड़ेंगे तब भी वही होगा, देखिए 3 2 5 2 7 4 11 ये, फिर यहाँ पर जोड़ते हैं 4 5 9 3 12 8 20 27 और 1 28, हुआ वही ना, तो इस तरीके से आपका वही होगा। अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं कोई, जैसे चलिए इतनी बड़ी संख्या को जोड़ते हैं, होगा वही क्या होगा, जो मंजूरी खुदा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको जोड़ना होगा, तो हमें कैसे करना है, आगे वाली की संख्या को सभी को जोड़ते जाना है, और सारे प्रोसेस से वैसे जैसे मैंने बोला, आप इसको जोड़ते जाएंगे कि 8 6 14 और 14 2 जोड़ेंगे 16, 16 6 आप जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा। देखिए आप 16 और 6 को जोड़ना है, यहाँ पर एक बार इसको दिमाग लगे 16 और 6 को जोड़ना है, तो आप इस तरीके से कि 16 6 किस तरीके से वैसे नहीं जोड़ना है, यहाँ पर देखेंगे कि ये 10 है, ये वाला 10 है, और 6 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 होगा, 6 6 को जोड़ेंगे तो 12 और 10 ये भी होगा, 2 ये भी होगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 22 होगा। ये इस प्रोसेस आपका दिमाग में चलना चाहिए कि 12 में तुरंत दिमाग लगाएंगे, जैसे ही हमारी मैंने बोला कि 10 के अंदर की दो संख्याओं को जब भी जोड़ेंगे तो हमारी 20 के अंदर ही आएंगी, और उसमें से हमेशा 10 निकलेगा, क्या निकलेगा, हमेशा 10 निकलेगा, याद रखना बात दिमाग में, जब दोनों संख्याएं 5 5 से बड़ी होंगी तो हमेशा 10 निकलेगा, जब दोनों संख्याएं आप जोड़ रहे हैं, दो संख्या ऐसी जोड़ रहे हैं जो 5 5 से अगर बड़ी हैं या 5 5 हैं तो हमेशा उसमें से 10 निकलेगा, ये दिमाग में बैठा रहना चाहिए, अपने आप निकल जाएगा। एक संख्या इसमें से छोटी है 5 से, एक संख्या 5 से बड़ी है, तो ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि ये 10 से बड़ी हो सकता है छोटी भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों संख्या अगर बड़ी है तो पक्का वो 10 से बड़ी होंगी, लेकिन अगर एक संख्या बड़ी है तो वो 10 से बड़ी हो सकती है, नहीं तो नहीं भी हो सकती है, और एक संख्या दोनों संख्या छोटी है तो छोटी ही होंगी। यहाँ पर हम देखते हैं, अभी इस प्रोसेस को मैंने चला, मुझे पता है जैसे 16 था कि 16 में 6 जोड़ना है, तो मुझे पता है कि 6 6 12 होगा, यानी कि 10 10 2 तुरंत इसको जोड़ लेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से मैं यहाँ पर चल रहा था, तो मैं कहाँ पर पहुंचा था, मैं यहीं कहीं पर पहुंचा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर से जोड़ता हूँ, 8 6 14 तो 16 16 6 22 हो गया, 22 6 28 हो गया, और 28 2 20 30 हो गया, 30 4 34 हो गया, आपको पता है, और 34 को हम जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, पता है। अब ऐसे लिखना नहीं है, इसको दिमाग में बैठाना, मतलब इसको हमने समझाया आपको इस कि यहाँ पर 34 340 और उसके बाद हम तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ेंगे कि यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 7 जोड़ेंगे, 6 और 7 6 पता है। अब यहाँ पर मैंने जोड़ा था कि 6 और 7 को अगर हम जोड़ने वाला प्रोसेस जो समझाया था वही जोड़ना, ठीक है, तो उस प्रोसेस आपको भूलना नहीं। यहाँ पर
छह और सात को जोड़ते हैं तो 13, और 13 के 13 14, 14 दो 16, आपका 16, 6 आपका 22, और 22 की 2। अब देखिए 22 की 2, 2 का मतलब यहाँ पर 20 आपका बाहर आ गया, 20 आपका बाहर, और 20 यहाँ पर हम जोड़ देंगे और 2 यहाँ पर जोड़ देंगे, दिमाग में जोड़ना है। तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 62, 362। तो हमारा कितना हो जाने वाला है, इसको मैं जैसे ही करूंगा इस प्रोसेस से दिमाग से, तो ए आपका हो जाएगा कितना, 362। ठीक, ये प्रोसेस होना चाहिए। ये जैसे ही आप करना सीखेंगे ना, जैसे आप करना करने लगेंगे ना, तो आपके लिए तेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये तेज हो जाएगा, बस आपके समझ के बाहर जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीजें सीखते हैं पहले पहले तो कठिन ही लगता है। कोई भी आप पढ़ाई शुरू किए होंगे तो पहले आपको कठिन ही लगा होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ईजी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कठिन लग रहा है, प्रैक्टिस करिए, इतना तेज हो जाएंगे कि आपको शायद पता नहीं है, परंतु अगर आप तेज करेंगे तो। इसके बाद मैं घटाना लेकर के आऊंगा, भाग भी लेकर आऊंगा, गुणा भी लेकर आऊंगा, अच्छे से पूरा का पूरा कवर करूंगा, यहाँ तक आपका प्रतिशत, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, या जितनी भी चीजें होती हैं कैलकुलेशन से, वो आपकी यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे को पहले इसको सीखे होंगे तो इस तरीके से देखिए, 80 60, 140, 140 20, इस तरीके। तो ये कठिन हुआ नहीं, कठिन नहीं हुआ, हो जाएगा कठिन, इसलिए उसको आपको स्टेप करना बेकार होगा। आप इस तरीके से कोशिश करिए, सरल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम और चीजें, अब यहाँ पर 3 अंकों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया, इनको ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम कैसे इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर इसको देखिए, इसको हम तुरंत हम इसको 100 मान के चलते हैं। इसको अब इसको इसको दिमाग में बैठाइए, इसको इसको जब इसको हम देखते हैं, 6 4 10 3 13, मतलब यहाँ पर अब देखिए 13 का मतलब समझ लेना, मैंने बोला था जो चीजें आए, दो संख्या में जो भी दो चीजें आ रही हैं, आप उनको क्या करना है, उसको ऐड करना है, उसको आपको दिमाग में बैठाना है वैसे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जो भी किया था, तो आप अब अगर मैं इसको एक बार जोड़ के, पहले इसको हम सीधा सीधा आपके मतलब कॉन्सेप्ट से सिखा दूं, ताकि आपको पहले चीज देखिए, इसको जोड़ के 4 2 6 2 8, तब 4 2 6 2 8, अब इस तरीके जोड़ते, मुझे पता है कि इसी तरीके जोड़ते, फिर 3 4 7 6 13 की 3, ठीक, फिर 1 यहाँ पर आपका 2, शायद सही है ना, देखिए 4 2 6 2 8 सही है, उसके बाद 3 4 7 1 8, ठीक, सॉरी हम क्या गलती कर रहे थे, 1 2। ये तो ये प्रोसेस हमें भी कठिन लगने लगता है, क्योंकि अब वो चीजें आप करने लगेंगे तो आपको ये कठिन लगे, कठिन क्या है मतलब बोर सा लगने लगे, तो ये चीजें कठिन लग रही हैं इसलिए से। तो यहाँ पर हम देखिए अब इस प्रोसेस से करते हैं, आपको कैसे लगता है ये चीजें समझ। देखिए मैंने बोला था इस सिस्टम को, 6 4 10 3 13, मतलब 130 जो संख्या, क्योंकि हम दूसरी संख्या जोड़ रहे थे एक संख्या छोड़ रहे थे, एक जीरो बढ़ाएंगे, और पहली संख्या जोड़ रहे थे दो संख्या बची थी तो जीरो बढ़ाए, ये बात होगी। अब इसको देखिए 2 2 4 2 8, ये बताइए क्या दिक्कत होती, 100 100 230 238, क्या दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत, ये वाली ज्यादा सरल थी क्या, सरल नहीं थी यार, उसमें हासिल भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप हासिल या कैरी जिसको बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए तो सारी चीजें भूल गए, अगर आप उसको करने लगेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए दिमाग में बैठाना कि आपके लिए वो चीजें सरल रहे, जो चीजें आप सीखिए आपके लिए इजी रहे। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, ये दिमाग में समझ आएगा ना, अभी आप भी देखिए मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, दिमाग में बैठाइए, मजा आएगा दिमाग के लिए। पिटारा खुल रहा है, चिंता मत करिए। ठीक, अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ने में कोई, ये 2 है इसको बता पर, तो मुझे 200, मैं 2 है 200 मैं मान लूंगा तुरंत, इसको मैं 200 मान लूंगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूं, ताकि ये 2 है। पहले स्टेप में देखिए इसमें 3 संख्या नहीं है, तो इसको मैंने बोला कि ये 200 है, क्योंकि 2 संख्या इसके बाद बची, इसलिए मैं 200। अब अगली वाली संख्या को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए पहले, मतलब 6 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, मुझे पता है, और 15 जैसे इसको मैं 1 0 बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक संख्या इसके बाद बची है। अब ये बताइए, इसको आप लिख रहे थे क्या, लिखने लिखने बाद मुझे पता होता ये 200,
इसको जोड़ते, छह चार दस, दो बारह, तीन पंद्रह, मतलब 150। अब मुझे पता है कि 200 150 जोड़ेंगे तो 350 होगा, और 350 में जैसे जोड़ेंगे तुरंत जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ 7 और 8 को जैसे ही जोड़ेंगे तो मुझे पता है 8 7 15 6 आपका जोड़ेंगे 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में पता है 20 और ऐड होगा, और 7 और ऐड होगा, दिमाग में लगाइए। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाए, और 350 वो हो रहा था, 350 200 उसमें, तो 370, 370 777, 377 यहाँ पर हो जाता है आपका, और इसको भी जोड़ेंगे तो वही होने वाला है आपका। देखिए 6 6 12 8 20, 727 के साथ 3 2 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17 के साथ, और 1 2 1 3 गैरी में। अब देखिए ये अभी आपका मतलब आप बचपन से ही सीख रहे हैं तो लग रहा है कि ये कठिन नहीं है, यही सरल है, मुझे यही सरल है, आपको सरल है क्योंकि आपने उसको किया है। अगर आप ये वाला करने लगेंगे जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये इजी लगेगा, बस आपका इस पे प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस जैसे ही तेज करेंगे आपको होने लगेगा। बस इसको दिमाग में ऐसे समझना है, यहाँ पर समझिए 200, इसको जोड़े, मैंने इसको जोड़ा था कि 15 हुआ था, यहाँ पर जैसे जोड़ा कि 6 4 10 2 12 3 15, 15 मतलब 150, मतलब 350, 350 सुबह 7 7 8 7 15, तुरंत इसको जोड़ेंगे 15 6 21, तुरंत 26 27 27, तुरंत जोड़ेंगे 27 20, 350 370 777, तो ये चीज हो जाएगा। मतलब कि इसमें कलम तो नहीं उठाना पड़ा, और इसमें कलम उठाना पड़ता। आप दिमाग लगाइए कि आप ये वाला जैसे ही करेंगे तो इसमें कलम उठाना पड़ेगा, आपको कलम पड़ेगा, इसमें कलम लिखेंगे, कैरी बढ़ाएंगे, कैरी। अब इसमें कैरी नहीं बढ़ा, इसमें बिना कलम, ये बिना कलम उठाए काम कर सकते हैं, इसको आप बिना कलम उठाए काम कर सकते हैं, अभी बिना कलम उठाए काम करेंगे आप देखना। अब की करेंगे आप बिना कलम उठाए, कलम मत उठा ये करेंगे आप। बताइए इतनी बड़ी संख्या में आप कलम पक्का उठाएंगे, आप कलम पक्का उठाएंगे, और आप बिना कलम उठाए लगाइए, मैंने जिसे लगाया था बिना कलम उठाए, बिना कलम उठाए लगाइएगा दिमाग में, आप बिना कलम उठाए अगर लगा देते हैं वीडियो को पॉज करके, तुरंत इसमें बिना कलम उठाए आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ और मैं लगाता हूँ, आप दिमाग में लगा लिया है, पहले क्या करना है मुझे पता है कि पहले आप बड़ी बड़ी संख्या को लेंगे, ये वाली संख्या देखिए, यहाँ पर 4 ये है, 8 ये है, और 3 ये है, और कहीं तो है नहीं, तो ये तो पता है ना कि यहाँ पर 4 8 12। अब इसको देखिए 4 8 में जोड़ना, अब ऐसा नहीं 8 4 जोड़ें, 4 8 जोड़िए ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बन चुका है, जब बन चुका है तो क्या दिक्कत। जैसे 4 8 12 और 12 3 15, मतलब मुझे पता हो गया कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 0 1500, क्या हो गया 15। क्यों मैंने 2 0 लगाया, अब ये सोच मत सोचिएगा कि हाँ यार 2 0 लगाए थे, मेरा इतना हुआ था यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने बोला 2 संख्या इस बार बची है, 2 संख्या का स्थान छोड़िए, ठीक है बात समझ में। क्योंकि आप सैकड़ा वाला जोड़े तो सैकड़ा तो लगाएंगे ना, 100 वाली संख्या जोड़े 100 लगाएंगे, दहाई वाली संख्या जोड़े तो दहाई लगाएंगे, ये तो यार बेसिक चीज है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप सैकड़ा वाला जोड़ रहे हैं, मतलब 100 में 200 जोड़े, 300 जोड़े, 400, जब आप सैकड़ा वाली संख्या जोड़ लिए हैं तो सैकड़ा पार ही होगा ना, क्या उसमें कम होगा क्या, दिमाग लगाइए। जब सैकड़ा वाली संख्या जोड़ रहे हैं यानी 100 वाली संख्या अगर आप जोड़ रहे हैं तो 100 ही तो मिलेगा, यहाँ पर मैं 100 वाली संख्याओं को लिया तो 100 निकलेगा, मतलब मैं यहाँ 400, यहाँ पर 800, यहाँ पर 300 जब ऐड करूंगा तो 100 में निकलेगा, मतलब 1500 क्यों निकलेगा, बात तो यार समझा करिए। ये चीज आप कर लेंगे पता है, मन में करेंगे और बहुत तेज आप करेंगे, यहाँ बिना कलम उठाए से करेंगे, ऐसे करेंगे देखिए 4 8 12 3 15, 1500 हो गया, उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे कि 6 3 9, 9 6 15, ऐसे करेंगे 9 6 15, और 15 2 17, 17 2 आपका 19, और यहाँ पर 3 22, और 22 में पता है कि 20 उसमें तुरंत ऐड करेंगे, दिमाग से लगे 22 में हम तुरंत इसमें हम 20 ऐड कर लेंगे, और 20 ऐड कर लेंगे कि पता है कि 1520 हो जाएगा, 1520 हो गया, चलिए उसको छोड़ते हैं 1520, और मुझे पता है कि 22 था वो, उसको दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आइए, ठीक है, आपको वो दिक्कत नहीं देना है, उसको आप रखे रहिएगा, उसको आप रखे रहिएगा। अब मुझे पता है कि वहां पर 22 हुआ था, वहां पर क्या हुआ था 22 हुआ था, ठीक है, वहां पर 20 हमने दिमाग में लिया, परंतु अब ये दिमाग लगे क्या लास्ट वाली संख्या है जो उसको हम अलग करके, लास्ट वाली संख्या में आपको बचाना है, यहाँ पर 22 हुआ था तो आप 22 करिए, और कौन सी संख्या, दूसरी संख्या तो 1 0 बढ़ाना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है 22 लगा के 1 0 बढ़ाना, ये काम समझे। अब इसमें बताइए कोई कैरी बचा, कोई कैरी आपका बढ़ा,
कोई कैरी नहीं पड़ा ना, कितना मजा आएगा बताइए यार। क्या कलम उठेगी? कुछ नहीं उठेगी। यहाँ पर 1500 हुए, यहाँ पर 220 हुआ, क्या दिक्कत हुई? अब दिमाग में आपके अगर ये बैठ जाता है, बहुत ईजी है, सारी चीज लिख रहे हैं, फास्ट करवाएंगे बिना कलम उठाए, बार लिख रहे हैं उसके बाद समझ। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर जोड़ दें, 2 6 8 4 12 और 6 18 और 6 आपका 24 और 2 26। 26 को पता है कि 20 यहाँ पर ऐड करेंगे और 6 यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? मतलब ये वाला स्टेप हमारा 26 था। दिमाग में आप देखिए, समझाते हैं। और इन सारे को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं। पहले क्या किया था मैंने, इसको ये वाले ऐड किए, मेरा 15 है, 00 बढ़ाया, 1500 हुआ। मतलब उसके बाद मैंने ये वाली संख्या जोड़ा, मेरा 22 है, 22 में 1 0 बढ़ाया, क्यों 0 की उससे अधिक संख्या हुई। अब ये दिमाग में लगाइए कि आपने 1500, पहले देखिए मैंने जोड़ा 15 मतलब 1500, फिर मैंने जोड़ा 22, 1 0 बढ़ाया मतलब 220, मतलब मेरा 220। अब पता है कि 1500 में अगर हम 220 जोड़ेंगे, 15 2 17, 1720, 1720, 1720 के बाद मैंने लास्ट वाली संख्या को ऐड किया था, मेरा क्या आया था, 26 आया था। लास्ट वाली संख्या को मैंने ऐड किया था, क्या था, 26। दिमाग लगाइए कि मैंने बोला था 1720, 1720 में यहाँ पर क्या आया, 26, 1720, 26 में 20 फिर निकल रहा है। दिमाग लगाइए, 1720 में 20 फिर निकल रहा है, तो 1720 में फिर 20 में ऐड करेंगे तो 20 1740 हो जाएगा, 1740 और 46 क्या हो गया, 46। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया, दिमाग में बताइए, ये आ गया 1746, क्या आ गया, 46। अब इसको ऐड करते हैं, बेसिक वाला जो आपने ट्रेडिशनल मेथड सीखा है उससे करते हैं। देखिए 2 6 8 6 14 4, दिमाग लगाइएगा भाई, थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है? 14 4 18 18 6 18 6 24 और 24 2 26 की 6 सही है। फिर 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13 और 13 3 16, 16 6 आपका हो जाता है 22 और 2 22 2 24, फिर से 2 कैरी। दिमाग लगाइएगा, 3 8 11, 3 8 11 4 15 और 2 17, मतलब सही है मेरा कैरी। उसमें ध्यान देना पड़ा, जोड़ना पड़ता यार, आपके लिए बहुत कठिन था। अब मैं एक सवाल आपके लिए देता हूँ, आप उसको कौन उसमें दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसके होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा और इसको कमेंट कर दीजिएगा। को देना है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसको भी रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है सारी चीजें। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब और विजिट करिए, एक बार इस पर रिस्पॉन्स दीजिए, कैसा लगता है वो अपनी राय व्यक्त करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए कि आपके लिए सपोर्ट से ही मैं अच्छी लेकर आऊँगा, अगर रहेगा तो जैसे भी हमारे पास बच्चे जो भी रहेंगे, जो भी हमारे साथी आएंगे, उन्हीं की वीडियोज हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आप सबका कमेंट जरूर चाहिए, और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल की लिंक दोनों हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, जैसे समझ में आए वैसे करिएगा, ओके? क्लास जो है ये प्लेलिस्ट नाम से लगेगी, और बहुत सारी बेसिक वीडियोज फिजिक्स की केमिस्ट्री से रिलेटेड दोनों है, जिसको नहीं आता न्यूमेरिकल वो भी प्लेलिस्ट चेक करें, अपने मनपसंद बहुत है बेसिक वाली। चलिए मिलते हैं।